जी नसीर भाई एंड अस्मा भाभी जी। भैया ये क्या तमाशा मचाया हुआ आप लोगों ने, मतलब पूरे पाकिस्तान को किस काम पे लगा दिया भाई, मगर बहुत एंजॉय कर रहे हैं लोग एंड वी आर वेरी हैप्पी। हम सब एंजॉय कर रहे हैं। आप बताऊं कि हम लोग नॉर्दर्न एरियाज के अभी टूर पे गए हुए थे, जो लोग हमें फॉलो कर रहे हैं उन्होंने देखी होंगी तस्वीरें, वहां पर हर एक बंदा, बच्चा, बूढ़ा, हर उम्र का इंसान, पहाड़, दरख्त, दरिया, सब देख रहे हैं बेबी बाजी। बाकी इस वक्त हाउस होल्ड नेम है और जिस घर में टीवी है और वो बीबी बाजी नहीं देख रहा पता नहीं टीवी पे क्या कर रहा है भाई। नहीं, मोबाइल पे लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं। इट बिकेम अ हाउसहोल्ड नेम जब हम शूट कर रहे थे। ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें जब आप शूट कर रहे होते हैं आपको पता नहीं लग रही होती है। नहीं, तब आप सोचते यार ये क्या गलती कर दी यार, ये पता नहीं यार क्या। अच्छा मुझे तो वाकई ये लग रहा था बिकॉज मैं सेट पे मेरा बीपी हाई हुआ हुआ होता था। अच्छा? मेरे सीन्स ऐसे होते थे हाँ। कि चीखने चिल्लाने वाले या सड़वा बैठा हुआ है हाँ। या ये वाले सीन्स कर रहा है तो शाम तक ना आई यूज्ड टू बी ऑफ, बिल्कुल ऑफ। और लोग कहते थे इसको क्या हो गया, सेट वाले भी ना कि क्यों बैठा हुआ है, ऐसा क्या है, एंजॉय नहीं कर रहा काम, एंजॉय नहीं कर रहा। और मैं उस पीरियड के लिए जब हम ड्रामा शूट कर रहे थे मैं घर पे भी ऐसा ही था, नॉट नसीर लेकिन हाँ। बस चुप और आधा किलो नसीर। नहीं वो गुस्सा जब आप पूरे दिन हाँ। सेट पे गुस्सा कर रहे हैं तो आपको आ रहा है वो गुस्सा आ जाता है। भाभी तो आपके सेट पे थी ना। हाँ थी। तो जो सेट पे गुस्सा निकलता था वो घर आके भी निकलता था। नहीं नहीं नहीं